हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 की, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। सो वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया टू बनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड द लार्जेस्ट लिविंग थिंग दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ इज ब्लू व्हेल। तो दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्लू व्हेल तक जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो फ्लोरा में हो चाहे वो हमारे पास फौना में हो। एंड वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आर ओन एग्जिस्टेंस। कि अभी जो कॉम्प्लेक्स चेन है इसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में क्या होगा कि सारे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल कि एक स्नेक है, उसको खाने के लिए क्या चाहिए, उसको एक फ्रॉग चाहिए, फ्रॉग को क्या चाहिए, एक बटरफ्लाई चाहिए, और आगे से बटरफ्लाई को भी जीने के लिए क्या चाहिए, या तो फ्लावर्स चाहिए या फिर उसको स्मॉल एनिमल्स या इंसेक्ट्स चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक चेन बन जाएगी। डायरेक्ट स्नेक जो है वो फ्लावर्स या इंसेक्ट्स नहीं खाएगा, लेकिन एक चेन में ये सारी चीजें जो हैं वो चलेंगी। वैसे ही अगर हम ऐसा करें कि एक चीज को जो है वो हम इसमें से स्किप कर दें, कि मान लो अगर बटरफ्लाई जो है आज वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, आज वो धरती से जो है वो गायब हो गई, तो अब क्या होगा, फ्रॉग का खाना जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए फ्रॉग्स खत्म हो जाएंगे। और उनकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे स्नेक्स भी जो है या तो वो ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे, फ्रॉग्स के अलावा कुछ खा लेंगे, या फिर क्या होगा, स्नेक्स भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और वैसे ही क्या होगा, धीरे धीरे ह्यूमैनिटी भी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके लिए भी जो सारे रिसोर्सेज हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम देखें कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है, तो बायो का मीनिंग होता है कुछ भी लिविंग थिंग जिसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो। और वैसे ही जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा डाइवर्स हो और बहुत ज्यादा एरिया में जो है ये फैला हुआ हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सारी स्पीशीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी, मींस वैरायटी देखने को मिलेगी। एंड इंडिया इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। कि यहाँ पर जब हमने देखा कि फूड चेन में क्या होगा, सारे एनिमल्स जो हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे उनके फूड के लिए। सो फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, तो फ्लोरा होता है हमारे फ्लावर की स्पीशीज के लिए एंड फोना होता है हमारे एनिमल की स्पीशीज के लिए। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्योंकि अगर आप इस मैप को देखो तो इतने सारे एरिया में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है वो फ्लोरा एंड फोना की देखने को मिलेंगे, एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन इंडिया। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचर रिसोर्सेज IUCN, वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एज फॉलोज। तो अब ये जो सारी कैटेगरीज हैं, जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज इन्होंने जो डिवाइड करी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो इंडिया का फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ही ज्यादा रिच है और बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। तो सबसे पहले हम जो है फौना की बात करेंगे, मींस एनिमल्स की बात करेंगे। तो इनकी स्पीशीज में सबसे पहली जो स्पीशीज आती है वो है नॉर्मल स्पीशीज। तो नॉर्मल स्पीशीज कौन सी होती हैं, दोज हू पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर टू बी नॉर्मल, कि इनको कोई भी थ्रेट नहीं है इनके सर्वाइवल के लिए, इनकी जो पॉपुलेशन भी है वो भी नॉर्मल है, सच एज कैटल, सेल, पाइन एंड रोडेंट्स। तो ये जो है हमारा रोडेंट्स हो गए, ये हमारे कैटल्स हो गए, ये हमारा जो पाइन ट्रीज हैं, इनको कोई भी थ्रेट नहीं है ह्यूमन से, और ये जो है इनकी पॉपुलेशन भी हमें नॉर्मल देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं इनडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये कौन से स्पीशीज होते हैं जो डेंजर में है इस टाइम एक्सटिंक्शन के, कि अगर इनको हमने बचाया नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज आर ब्लैकबक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्डेस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाओ एंड संगाई, ब्राउन एंटर डियर इन मणिपुर, इट्स फाउंड इन मणिपुर। तो ये जो हमारे सारे एनिमल्स हैं, जो हमारा फौना है, वो इस टाइम पर इनडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, कि अगर इनको हमने बचाया नहीं तो आने वाले टाइम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी वो शायद इनको कभी ना देख पाए।
ऐसे ही थर्ड जो हमारी स्पीशीज है वो है वल्नरेबल स्पीशीज। तो ये स्पीशीज के साथ क्या होता है, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो लेवल टू लेवल डिक्लाइन कर रही है, इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो वल्नरेबल क्या होता है, जब कोई भी किसी भी चीज के ऊपर क्या है, खतरा होता है। अगर मान लो यहाँ पर एक पहाड़ है और यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास हट्स हैं, तो ये क्या होगा, ये जो एरिया होगा ना हमारे पास, वो वल्नरेबल होगा टू दिस स्टोन, कि ये स्टोन जो है कभी भी स्लाइड कर कर जो है वो इन हट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो चीज हो जाएगी ना, ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए एक थ्रेट होगा जो इस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वैसे ही अगर हम फौना की बात करें, तो फौना में क्या होगा, जितने भी हमारे वल्नरेबल जो हमारी स्पीशीज है, वो धीरे धीरे जब डिक्लाइन करेंगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन पर आ जाएंगी, कि वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। ऐसे हमारे एशियाटिक एलिफेंट्स, गंगेटिक डॉल्फिन्स एक्सेट्रा। और रेयर स्पीशीज में हमारे पास क्या आती हैं, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं। तो रेयर से ही हमें पता लगता है, जो बहुत रेयर होंगी एंड विद अ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इनडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, कि अगर उनको हमने बचाया नहीं या उनकी हंटिंग होती रही या किसी भी वजह से अगर वो इनडेंजर्ड या वल्नरेबल में आ गए कैटेगरी में, तो उनको बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और ये जो स्पीशीज वो बहुत ज्यादा रेयर हो जाएंगी। तो इसमें हमारे पास आते हैं हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। तो फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास आती है एंडेमिक स्पीशीज। तो ये स्पीशीज क्या होती हैं, विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो ये एक आइलैंड है और यहाँ पर भी आइलैंड है और बीच में सारा जो है वो यहाँ पर वाटर है, तो इससे क्या होगा, जो स्पीशीज यहाँ पर मिलेंगी हमें, वो ही सेम स्पीशीज जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएंगी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो स्विमिंग नहीं जानते, तो उस वजह से क्या होगा, ये जो है इसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल और नेचुरल एरिया में जो है वो आइसोलेट हो जाएंगे, यहाँ पर से वो कहीं पर भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही हमारे पास एग्जांपल है अंडमान में जो टील है, जो ट्रीज हैं वो वहीं पर ही आइसोलेटेड हैं, क्योंकि ट्रीज जो है वो कहीं पर भी ऐसे तैर कर नहीं जा सकते या उनको जो ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं कर सकते। तो इनका जो परमानेंट एक बैरियर है, इनका जो एक आइसोलेशन है, वो अंडमान में है। और उसके बाद जो हमारे पास निकोबार में है पिजन्स एंड अंडमान वाइल्ड पिग मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हमारा, आपको लग रहा होगा मिथुन कोई पैरट होगा, बट मिथुन जो है वो एक बफलो टाइप होता है अरुणाचल प्रदेश में, और रिलीजियसली भी इसकी बहुत वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिक्स्थ हमारे पास आता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन पे हैं या ऑलरेडी एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। दीज स्पीशीज मे बी एक्सटिंक्ट फॉर अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और ऑन द एंटायर अर्थ। जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये सारे जो हैं वे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पर हैं। अगर इनको अभी भी नहीं बचाया गया, तो इन फ्यूचर डायनासोर्स की तरह इनको भी हमें जो है वो म्यूजियम में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके बाद हमें देखनी पॉसिबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस स्टडी है कि एशियाटिक जो हमारे चीता है, वेयर डिड दे गो, कि वो सारे कहाँ पर गए। द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल द चीता इज यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर एंड द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। कि हमें लगता है कि चीता और जो लेपर्ड्स हैं, क्योंकि इनके पैचेस जो होते हैं स्किन पे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो एक डिफरेंस है वो है इनकी ये हमारे पास जो है ये लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइन, जो इनकी आईज से लेकर इनके नोज टू माउथ तक जो होती है, तो ये लाइन जो बेसिकली है वो इनको बनाती है चीता। और ये जो हमारे लेपर्ड्स हैं, इनमें ये जो लाइन है यहाँ पर टीयर ड्रॉप शेप, ये नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस होता है हमारे चीता और उसमें लेपर्ड में। प्रायर टू द 20th सेंचुरी द चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट, बट टूडे द एशिया चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। द स्पीशीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया अलॉन्ग बैक इन 1952, कि इंडिया में 1952 में ही इनको जो है वो एज ए एक्सटिंक्ट स्पीशीज ले लिया गया था, क्योंकि इनका जो अपियरेंस था वो बहुत कम हो गया था हमारे फॉरेस्ट एरियाज में, और इनके पास जो प्रे था, इनका खाना जो था वो भी ऑलमोस्ट जितने भी स्पीशीज थे वहां की फूड चेन जो थी वो डिस्टर्ब होने की वजह से इनका जो है वहां पर हमारे एशियाटिक जो हमारे इंडिया में पाए जाते थे चीताज, उनका एक्सटिंक्शन हो गया।
So what are the negative factors that cause fearful depletion of the flora and fauna in any of the country or including India? Excessive consumption of natural resources for fulfilling human needs such as wood, bark, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, जितने भी हमारे पास जो है मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए जब हमने वुड्स के लिए ट्रीज को कट किया, डिफोरेस्टेशन हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स थे, जो बहुत सारा फ्लोरा था हमारा वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से ये जो एक नेगेटिव फैक्टर है इनके डिप्लीशन का, द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज, की एग्रीकल्चर के लिए हमें बहुत सारा लैंड जो है वो खाली करना पड़ता है, फॉरेस्ट जो है वो कट डाउन करने पड़ते हैं, और कमर्शियल अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है वो डिफोरेस्टेशन देखने को मिलता है, एंड फॉर माइनिंग activities also. Large scale development of projects and mining activities, the unequal access, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibilities for environmental. तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास अनइक्वल एक्सेस होगा, मतलब हमारे पास इक्वली जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइडेड नहीं होंगे, जो कंजप्शन है वो भी इक्वल नहीं होगा सारे रिसोर्सेज का, और जो शेयरिंग है, जो इक्विटी वर्ड है या इक्वालिटी वर्ड है, वो जब यहाँ पर काम नहीं आएगा, जो शेयरिंग है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आप ये पिक्चर देखो तो जो रिच पर्सन है वो यहाँ पर इस चीज का भी एक्सेस ले रहा है, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिवाइड करना पड़ रहा है, बट वो अपने पास भी उस चीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर रिसोर्स जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर फियरफुल डिप्लीशन ऑफ आर फ्लोरा एंड फौना एज इन नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का इंडिया में कैसे हुआ? कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रोटेक्शन एक्ट आता है वो है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज पब्लिश. कि इसके बीच में इन्होंने क्या किया, एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज की जो थी वो एक लिस्ट बनाई और उसको पब्लिश किया कि इन्हीं सारे जो स्पीशीज हैं बेसिकली उनको हमें प्रोटेक्ट करना है अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बैक 1972. उसके बाद हमारे पास आता है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट दैट लॉन्च्ड इन 1980 एंड रिवाइज्ड इन 1986. फॉर सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज. कि इन एनिमल्स जो हमारे ये जो स्पीशीज हैं इनको भी जो 1986 में है फिर इंक्लूड किया गया. एंड इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विथ सिक्स स्पीशीज. की सबसे पहले हमें एनिमल्स को कंजर्व करने की जरूरत पड़ी और उसके बाद 1991 में जो है फर्स्ट प्लांट स्पीशीज जो है वो लिस्ट में आई और उनमें से जो मेन थी वो हमारी सिक्स स्पीशीज जो थी उसमें इंक्लूड करी गई. टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया. तो अगर आप यहाँ पर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी देखो तो 1300 प्लस जो स्पीशीज हैं वो हमें बर्ड्स की देखने को मिलती हैं, अराउंड 1500 प्लस जो हैं वो बटरफ्लाइज की, 400 प्लस जो स्पीशीज हैं वो मैमल्स की हैं, 300 प्लस हमारे पास स्नेक्स हैं, एंड 15 जो स्पीशीज हैं हमारी वो वाइल्ड कैट्स की आती हैं, लेपर्ड्स भी हो सकते हैं, चीताज भी हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट वेराइटीज हैं. उसके बाद 25,000 प्लस स्पीशीज जो हैं वो हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं. तो इसमें ये नहीं समझना कि हमारे पास सिर्फ 1300 जो हैं वो यहाँ पर बर्ड्स हैं, 1300 टाइप की वर्ड्स हैं और उनसे ज्यादा हैं. उसके बाद इन इंडिया द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. दीज आर क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज. तो ये जो सारी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट के अंडर ही क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है एक नेचुरल रिसोर्स और सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. तो उसके लिए क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सारा मैनेज करती हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली यूज किया जाए, किसी भी ऐसे रिसोर्स का डिप्लीशन ना हो जाए. लिए जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम ह्यूमन के हैंड में प्राइवेटली नहीं दे सकते, क्योंकि उसका जो है वो मिसयूज होना शुरू हो जाएगा. उसी के साथ जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है फ्लोरा में, वो है फर्स्ट हमारे पास रिजर्व्ड फॉरेस्ट. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व का मतलब आपने रिजर्व करके रखा है कि इनको आप कट डाउन नहीं करोगे और आपको एज ए बैकअप इनको रखना पड़ेगा. उसके बाद सेकेंड हमारे पास है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, और प्रोटेक्टेड से ही समझ में आता है कि इनको जो है हमने प्रोटेक्ट करा हुआ है. एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट.
थर्ड जो कैटेगरी है हमारे पास वो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जैसे वेस्टलैंड विच बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, क्योंकि ये जो वेस्टलैंड्स है कई बार यहाँ पर ग्रेजिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं प्राइवेटली। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात है वेरी हाई परसेंटेज ऑफ दीज फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड जो है वो मेनली रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये परमानेंटली रहते हैं, लेकिन वेस्ट लैंड जो है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है बाद में। विच आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट एरियाज। तो ये जो हमारे पास मध्य प्रदेश है सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट जो है यहाँ पर एरिया जिसके अंडर है वो हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की, कम्युनिटी जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसने कैसे कंट्रीब्यूट करा कंजर्वेशन में। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेयर आर फ्यू स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द कॉमन पीपल। तो फर्स्ट हमारे पास जो आती है यहाँ पर एक्ट जो बना उसके बाद उसमें आता है इन सरिस्का टाइगर रिजर्व दैट इज इन राजस्थान विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कि यहाँ पर जब कॉमन पीपल, जब ग्राउंड लेवल पर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज होती है जहां हम उसको नहीं चाहते कि वो इम्प्लीमेंट हो वहां उस एरिया के बेटरमेंट के लिए, तो वहां पर जो क्या है कॉमन पीपल की पावर जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है। जो कम्युनिटी है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हुआ वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में हुआ राजस्थान में, जब विलेजर्स ने जो है वो माइनिंग के अगेंस्ट जो है वहां पर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। और उसके बाद हमारे पास द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरोदेव डकाव सोनचुरी। विलेजेस केम अप विद देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डू नॉट अलाउ द हंटिंग एक्टिविटीज एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इनक्रोचमेंट्स। की यहाँ पर क्या हुआ, लोकल पीपल ने क्या किया, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के, और उन्होंने अराउंड 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया था उसको एक सेंचुरी, मतलब सेंचुरी जो है वो एक तरह से डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी जो है वो एक रूल बनाया कि कोई भी आउटसाइडर जो है वो यहाँ पर आकर हंटिंग या इनक्रोचमेंट एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जो फेमस मूवमेंट है वो है हमारे पास चिपकू मूवमेंट इन द हिमालय, और ये हमारा हुआ था उत्तराखंड स्टेट में। वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज द मूवमेंट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे लेडीज थी और बहुत सारे यहाँ पर जो कॉमन विलेजर्स थे उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के लिए कहा गया तो इन्होंने ट्रीज को कट डाउन ना करने के लिए उनको हक किया, ताकि अगर किसी को भी वो कट करना हो तो उनको पहले इनको हटाना पड़े। इसी वजह से ये जो हमारा जो कम्युनिटी थी इन्होंने एज एफॉरेस्टेशन भी यहाँ पर किया, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ये हमारे वाइल्ड लाइफ या हमारे जो फ्लोरा के में वो बहुत बड़ा माना जाता है। एंड फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नव शोन दैट एडुकेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। की यहाँ पर क्या हुआ, बीज बचाओ आंदोलन मीन्स आप सीड्स को बचाओ और उसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल या आर्टिफिशियल जो आपके केमिकल्स होते हैं वो फील्ड में ना डालते हुए भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इन्होंने स्टार्ट करी, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था इन आर एग्रीकल्चरल सेक्टर। हमारे पास है इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट इज JFM प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। कि यहाँ पर क्या हुआ, ज्वाइंट फॉरेस्ट में क्या हुआ, वाटर का जो था मैनेजमेंट से इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से जो मैनेज किया, और जितने भी हमारे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है मतलब जहाँ की सॉइल जो थी वो इरोड हो गई थी या यहाँ की इतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं थी सॉइल की, इन्होंने सारे डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है उनको स्टोर करा और इस सारे एरिया को जो है वो ग्रीन कर दिया। भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑन ग्राउंड लेवल वहां की कम्युनिटी या वहां के लोकल लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।